मैं हूँ यास्मीन। बिग बॉस के घर में इन दिनों जमकर ड्रामा देखने को मिल रहा है और ये ड्रामा घर के बाहर भी साफ देखा जा रहा है। ये तो आप जानते ही हैं कि बीते दिनों टीजे ने बिग बॉस के मेकर्स के खिलाफ एक ओपन लेटर लिखा था कि उनके हबी करणवीर का मजाक ना बनाया जाए। वहीं अब लीजिए, दीपिका कक्कड़ के हस्बैंड शुएब ने भी एक ओपन लेटर लिखा है और दीपिका का मजाक बनाने वालों की जमकर लताड़ लगाई है। शुएब ने लिखा, मैं उन सभी लोगों को बताना चाहता हूं जिन्हें लगता है कि दीपिका ने ओवर रिएक्ट किया। तो भाइयों और बहनों, एक बात बताओ, क्या इमोशन सिर्फ आप लोगों के पास है? दूसरों के इमोशंस नहीं होते? दीपिका अकेली ऐसी कंटेस्टेंट हैं जिसका सबसे ज्यादा मजाक बनाया गया है उसके इमोशंस को लेकर, लेकिन एक बार भी उसने कुछ नहीं कहा, ना ही किसी से कोई मतभेद रखा। लेकिन जब बात है फैमिली की, मेरा मतलब है कि खेल की आड़ में कोई कैसे एक ऐसा सवाल कर सकता है जिससे उसे दुख पहुंचे? कोई पति को भाई से कैसे कंपेयर कर सकता है, वो भी ऐसा भाई जिससे खून का रिश्ता नहीं? किसी का भी ऐसा रिएक्ट करना जायज नहीं है, और जो इसे गलत नहीं समझता तब भाई आप लोगों में ही कोई समस्या है। हमारे यहाँ हर रिश्ते की एक अलग जगह होती है और एक अलग सम्मान होता है, और ये क्या है भैया या सैया? इस लाइन को बोलने से किसी के भी दिमाग में क्या आता है और क्या इरादा होता है, ये आप सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो देखा आपने, शुएब ने सीधा सीधा रोमिल और सृष्टि पर वार किया है। बता दें कि बीते एपिसोड में फराह खान घर में आई थी और उन्होंने रोमिल और सृष्टि को एक टास्क दिया था। इस टास्क में इन दोनों ने दीपिका के पति को श्रीसंत से कंपेयर कर डाला और उनका जमकर मजाक बनाया था, जिसके बाद दीपिका आपे से बाहर हो गई थी और रोमिल और सृष्टि की जमकर वाट लगाई थी। वेल, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि आने वाले दिनों में शुएब दीपिका से मिलने शो में नजर आते हैं या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, दीपिका का इतना गुस्सा होना ठीक था या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बिग बॉस से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।